बरेली में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के विद्युत नागरिक वितरण मंडल के अंतर्गत विभिन्न खंडों में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर ने आज मुख्य अभियंता पावर कारपोरेशन दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कार्यदायी संस्था ईवीएम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संविदा कर्मचारी संघ के प्राधिकारी मुकेश कुमार कठेरिया ने बताया कि कार्यदायी संस्था एवं सर्विस इसके अंतर्गत सभी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनका जनवरी माह तक का अभी तक वेतन नहीं दिया गया है और ना ही ईपीएफ जमा किया गया है, जिससे सभी ऑपरेटरों में रोष उत्पन्न है। उन्होंने कहा कि सभी ऑपरेटरों से 15,000 धनराशि की मांग की जा रही है, जो कि अनुसूचित है, और धमकी भी दी जा रही है जिसके ना देने पर उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर काफी देर तक दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते रहे। मुकेश कुमार कठेरिया, मध्यांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ। हमारी मांगे हैं, हमारे बीच हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण हम लोगों का शोषण बहुत चरम सीमा पे किया जा रहा है। बार बार मुख्य अभियंता जी को और यहाँ के अधीक्षण अभियंताओं को सूचित किया जाता है। जब लोग हम अपनी समस्याओं को लेकर इनके कार्यालय पर आते हैं तो मुख्य अभियंता कार्यालय छोड़कर ही भाग जाते हैं। इन्होंने मिलकर अपनी रिश्वतखोरी रवैया अपना रखी है, जिससे अपनी जेब गरम करते हैं और हम लोगों का शोषण कराते हैं। पावर कारपोरेशन प्रबंधक द्वारा लिखित में ये आदेश दिया गया कि 1 तारीख से 7 तारीख तक संविदा कर्मचारियों का वेतन कर्मचारियों के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए, परंतु ये लोग सिर्फ अपनी दलाली के कारण हम लोगों का वेतन लेट कराते हैं और जब इनको रिश्वत मिल जाती है तो ये हमारा पेमेंट करा देते हैं। आए दिन के इन्होंने ये रवैया अपना रखा है और समय रहते हम इनको बार बार अवगत करा रहे हैं, या तो हमारी समस्याओं में सुधार कर दें, अन्यथा की स्थिति में आने वाले मार्च में एक तो इनका क्लोजिंग का समय है, दूसरा होली का समय है, इनको होली बहुत महंगी पड़ जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। इनसे पुनः मैं आज मिलने के लिए आया था, यहाँ मैंने देखा कि मेरे सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी उपलब्ध हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।